नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आप सबको यह जानकर अति हर्ष और खुशी होगी कि अब सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है और आप सब इस कार्ड के माध्यम से अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। यानी आपको 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए एक भी रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना आयुष्मान कार्ड घर बैठे ही अपने फोन या लैपटॉप से बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखना है। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ऐप को ओपन कर लेना है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आप सबको यह जानकर अति हर्ष और खुशी होगी कि अब सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है और आप सब इस कार्ड के माध्यम से अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। यानी आपको 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए एक भी रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना आयुष्मान कार्ड घर बैठे ही अपने फोन या लैपटॉप से बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखना है। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर गूगल क्रोम ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सर्च बॉक्स में गूगल सर्च बॉक्स में बेनिफिशियरी NHA लिखकर सर्च कर लेना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक रिजल्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है उस पर ही हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर गवर्नमेंट की साइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके इस साइट पर आ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगिन एज बेनिफिशियरी और ऑपरेटर, यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट बेनिफिशियरी वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें कैप्चा फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपने डिटेल्स डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखने के बाद हमें एक वेरीफाई का बटन दिखाई देगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा फ़ोन नंबर हमने यहाँ पर लिखा था उस पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को हमें यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों, यहाँ पर OTP फिल करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें एक और कैप्चा दिखेगा, इसे भी लिखकर लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर कैप्चा लिखने के बाद हमें लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें स्टेट सेलेक्ट करना है सबसे पहले, तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पर राजस्थान है तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर पूछेगा सब स्कीम, तो यहाँ पर आपको PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर सर्च बाई अपना आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा, यहाँ पर मैं आपको अपना डिटेल्स भर के दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स वाला एक आइकन दिखेगा, बटन दिखेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी मेम्बर्स हैं उन सबका डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप अपने आयुष्मान कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हो, जो कि अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको अपने नाम के सामने वाले EKYC वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो आधार नंबर है उसके सामने वाला वेरीफाई वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने एक कंसेंट फॉर्म ओपन होगा, उसके चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और अलाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 OTP प्राप्त होंगे, जो आधार नंबर से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पर आएगा और एक बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर है यानी कि जो इस वाले नाम के साथ लिंक है उस पर आएगा। तो मेरा तो दोनों ही सेम है, तो मेरे तो एक ही नंबर पे दोनों OTP आ जाएंगे, मैं उन दोनों को यहाँ पर लिख दूंगा। दोस्तों, दोनों OTP लिखने के बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप ऑथेंटिक वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक EKYC का एक और ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आधार OTP वाला
ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आधार नंबर के सामने जो वेरीफाई वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने फिर से कंसेंट फॉर्म ओपन हो गया है, यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक मार्क लगाएंगे और अलाउ कर देंगे। उसके बाद सेम हमारे पास ओटीपी फिर से भेजी जाएगी दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो मैचिंग स्कोर है वो 100% है। यहाँ पर हमें फोटोग्राफ भी यहाँ पर हमें कैप्चर कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर फोटो अपलोड करने के बाद हमें नीचे बाकी डिटेल्स भी भर देनी है दोस्तों। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद हमें सबमिट वाला बटन दिखाई देगा, इसके बाद हमें सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो EKYC है वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम, और इसके बाद हमें ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।